आज की रात का जो सिलसिला है वो हमारा है कराची इज्तिमा। अभी हम जा रहे हैं कराची इज्तिमा में, सारा रात भी गुजारेंगे वहाँ पे और वहाँ की बनाई हुई वीडियो भी यूट्यूब पे, कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, मतलब बहुत तारीफ सुनी है इसके बारे में, बहुत तारीफ सुनी है इसके बारे में कराची इज्तिमा के बारे में। इससे पहले भी गया हूँ मैं, लेकिन अलहमदिल्ला हर मतलब रुझान भरपूर जाते हैं, मतलब बहुत प्यारी दुआ होती है सुबह के टाइम पे। आज आज आखिरी रात है कल अपने सुबह लोग अपने घर के रवाना भी बताऊँ कि क्या है क्या नहीं है, बहुत सी आवाम जा रही है कराची इज्तिमा के लिए। आज आखिरी रात है ना और सुबह की दुआ तो ऐसी है कि बस मैक्सिमम इस रास्ते पे तकरीबन जितनी भी आवाम जा रही होगी वो कराची इज्तिमा के लिए ही जा रही होगी। देखें ये गाड़ी है, इज्तिमा की गाड़ियाँ जा रही है, मैक्सिमम तकरीबन लोग ही जा रहे होंगे इज्तिमा के लिए यहाँ पे भी जाने में। ये देखिए ये भाई भी हमारे जा रहे हैं, आप देख सकते हो कराची इज्तिमा के लिए कितना रश है कराची इज्तिमा के लिए। सारी बसें वगैरह सब कराची इज्तिमा के लिए आए, बहुत रश है, ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। आप सोच सकते हो तो माइंड लगाओ कि अगर यहाँ पर इतना वहाँ कितना रश होगा। देखिए गाड़ी की पार्किंग है लगी हुई है, ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल से 10-20 जगह होंगी जो पार्किंग है लगी हुई है, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है, बाइक या मजमा देख सकते हैं गाड़ियों का। ये देखिए वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, मैं जूम करके आपको दिखाऊं। अब ये गाड़ियाँ मतलब कि और भी बढ़ेगी, अभी तो आना स्टार्ट हुई है वहाँ। ये सारे भाई कराची इज्तिमा के लिए आए हैं। बस अभी हम पहुँच चुके हैं कराची इज्तिमा के रोड पे, ये यहाँ से जाएंगे सीधा कराची इज्तिमा के लिए, जो ड्रोन सेलेक्ट किया गया है कराची इज्तिमा के लिए जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, मतलब कि बहुत सी आवाम है। आप आपको वीडियो रन करके दिखाता हूँ, ये आवाम का रुझान देखें, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको आवाम ही आवाम मिलेगी। यहाँ पे फोन जो कितनी आवाम है तो अंदर कितनी आवाम होगी, आप आइडिया लगाएं। मैं तो बोलूँगे नमक एक बोलते ना दाल में नमक के बराबर आवाम है, यहाँ तो समझ लो कि एक तरह से पूरा जो मेन है वो अंदर ही है हमारा, तो अंदर है। ये जो हमारा कराची इज्तिमा होता है ना वो समझ लो कि सारी पहाड़ियों के बीच में होता है, इस तरह के ये पहाड़ बने हुए हैं ना, सारा पहाड़ियों के बीच में, मतलब एक पहाड़ियों के बीच में ग्राउंड बना हुआ है उसके अंदर होता है ये सारा। किले के सामने भी पहाड़ बने हुए, सारा जो होता है वो पहाड़ियों के बीच में। आवाम देखें आप समझे, और लोग पहाड़ियों पे बैठे हुए के अंदर आवाम जगह नहीं होगी मैक्सिमम मेरे ख्याल से, अभी लोग इतने बाहर घूम रहे हैं। बहुत कचाकच भरा हुआ होगा। ये इज्तिमा के अंदर नई गेट है, देखें ये इंटर हो चुके हैं कराची स्कूल, इंटर हो चुके हैं कराची स्कूल, पब्लिक देखें थोड़ा वहाँ देखें कितना। इस तरफ इज्तिमा वालों के लिए पानी का सेटअप बनाया हुआ है, तकरीबन हर जगहों पे पानी का सेटअप बना हुआ होगा, हर जगह पे खाने पीने का आइटम का सेटअप होगा, मतलब इज्तिमा वालों के लिए जो भी है।
ये मेरा कज़न है अनीस और ये मेरे चाचा जा रहे हैं। ये देखें वजू करने का तरीके का सेटअप हुआ है, बीच में एक फ्लो बनाई हुई है पानी की, उसमें वजू कर लोग इसमें वजू कर रहे हैं। बीच में एक तरह से मतलब पिंडा सब बोलते हैं अपना वजू खाना जैसा बनाया हुआ है, मतलब कि बहुत प्यारा सेटअप है, बहुत आवाम बहुत है। अगर आप यहाँ गुम हो जाओ तो मुश्किल है आपका कि आप आओगे कहाँ से और जाओगे कहाँ से, ये सेटअप होगा आपका। ये वफ़े वफ़े पे वजू खाना बना हुआ है, थोड़ा सा और वफ़े पे चले जाओ तो ये वजू खाना दोबारा बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये सारा पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ग्राउंड, देखिए सामने आगे पीछे सब जगह पहाड़ी हैं और ये ग्राउंड बना हुआ है बीच के पास। जहाँ नज़र घुमाओगे वहाँ आपको आवाम मिलेगी। आगे जो बने हुए हैं सारे स्वीट मिठाइयों के ठिए बने हुए तकरीबन, और एक ही नाम से कई दुकान है मिठाई की। एक ही नाम से कई दुकानें बनी हुई है। किरोन से बाहर रोड के ऊपर खाने पीने के आइटम भी ठिए लगे हैं। वहाँ देखें हलीम का, ये हलीम का ठिया लगा हुआ है। आगे चलो तो कुछ और का ठिया लगा हुआ होगा, तो अलग अलग तरीके। बस अभी हमारी है तैयारी घर पे जाने की। घर पे जाने का मसला ये है ना कि हम अपना कोई सामान वामान रखने के लिए लेके नहीं आए थे, जबकि ऐसी आए थे कि मतलब क्या माहौल होता है यहाँ पे, क्या प्रोग्राम होता है, मतलब कि कितनी आवाम आती है। मैं तो इसलिए आया था कि मैं वीडियो बना सकूँ, यहाँ पे आ सकूँ। बाकी कोई सेटअप नहीं है, लेकिन जाने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। लेकिन सर्दी बढ़, यहाँ पे खुला माहौल है ना तो सर्दी बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है तो इस वजह से घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई सामान वगैरह लेके नहीं आया हूँ मैं अपना यहाँ पे रहने के लिए। इस तरह बिस्तर वगैरह अपने चादर वगैरह कुछ नहीं लेके आया, बस ऐसी आ गया था बस यहाँ पे। सभी घर जाने की तैयारी कर ली है, घर पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे आएंगे, दुआ में शामिल होंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सुबह फिर आएंगे। बाकी आप आवाम तो देख रहे होगे कि आवाम कितनी है, क्योंकि पैर रखने जितनी जगह नहीं है। इधर नज़र घुमाओ गुजर आपको चाकज खराब है। ये सामने जो बना हुआ है ये मेरा बना हुआ है, मतलब कि इसमें जो बड़े बड़े उलमा जितने भी सारे यहाँ पे आके फेरते हैं, और जितने भी बड़े बड़े उलमा सब यहीं पे आते हैं। शबे जुम्मा भी मेरे ख्याल से यहीं पे होता है, शबे जुम्मा भी मेरे ख्याल से यहीं पे होता है। जो मैंने सुना है कि मेरा बहुत VIP हो गया, पहले जब मैं पहली मरतब आया तो ये सब कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अब मतलब बहुत अच्छा बन चुका है ये। अभी हम बाहर की तरफ निकल तो रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि आने वाली आवाम बहुत ज़्यादा है और जाने वाली आवाम बहुत कम है। मैक्सिमम आप देख सकते हो कि ये सारी आवाम आने वाली है, तो मेरे सीधे हाथ की तरफ जितनी भी आवाम आ रही है वो सब आने वाली है, और मैक्सिमम थोड़े बहुत ही गिनती के अफराद होंगे जो जा रहे हैं। देखें लोग पहाड़ियों पे भी बैठे हुए, अरे दो
अभी हम इस समय ग्राउंड से बाहर आ चुके हैं, अपनी जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ पर गाड़ी निकालेंगे, फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। घर जाके देखेंगे कि सुबह का ग्रेजा क्या बनता है, फजर की नमाज़ के बाद निकलते हैं, निकलते हम यहाँ पर दुआ में शामिल होते नहीं होते, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फजर की नमाज़ में उठेंगे और फिर दुआ के लिए भी पहुँच जाएंगे यहाँ पर। मतलब मेरे घर से करीब ही है इसलिए मैं वापसी जा रहा हूँ। और दूसरी बात, कोई रहने का बैठने का सामान वगैरह नहीं लाया था होने का, इस वजह से बाहर जाना, बाकी मेरे घर के करीब ही है, 5 मिनट का सफ़र नहीं है मेरे घर से ही कराची इज्तिमा का, इस वजह से मैं जा रहा हूँ कि अगर सुबह हो सका फर्स्ट टाइम उठ गया फजर की नमाज़ में तो इंशाल्लाह दुआ में भी शामिल हो जाएंगे। बस अभी पार्क जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ हम जा रहे हैं, हम आ चुके अपनी पार्किंग वाली जगह पर जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी। आप देख सकते हो कि गाड़ी इतनी है कि मालूम नहीं पड़ा कि हमने गाड़ी अपनी कहाँ खड़ी की थी, अभी ढूंढ रहे हैं अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की थी। हाँ भाई, मिली गाड़ी, मिली शाबाश, दिखा हुआ देख क्या सोचोगे, इतनी सारी गाड़ी है कौन देखेगा। यार पहली पट्टी में खड़ी की थी शायद, गाड़ी मिल ही नहीं रही है। दो बंदे दो लाइन पे ढोड़े फिर फाइनली गाड़ी हमारे को मिल चुकी है। ये खड़ी हमारी गाड़ी, ठीक है, ये खड़ी हमारी गाड़ी, गाड़ी नहीं मिल रही थी हमें यार। चल मैं गाड़ियाँ बहुत है ना,